ये वीडियो शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर बताना चाहूंगा ये वीडियो खाली बिगिनर्स के लिए अगर आप पहली बार कंप्यूटर सीख रहे हो और आप जानना चाहते हैं कंप्यूटर को डिटेल में तो ये वीडियो आपके लिए अगर आपको ऑलरेडी कंप्यूटर पता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है डिस्क्लेमर तो मैंने बता दिया ताकि आपका समय मैं वेस्ट ना करूँ तो यहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर जो पहली बार कंप्यूटर सीख रहे हैं उनको की की जानकारी बिल्कुल नहीं होती की के ऊपर ढेर सारी कीज़ है तो कौन सी कीज़ किसके लिए कब यूज़ करनी है सब लोग कंफ्यूज़ होते हैं और कुछ लोग तो कीज़ प्रेस करने में डर भी जाते हैं भाई कुछ गलत प्रेस किया तो डिलीट ना हो जाए राइट ये उनके मन में डर रहता है लेकिन बेसिकली कीबोर्ड कैसे ऑपरेट करना ये भी मैं आपको बताने वाला माउस तो बेसिकली बहुत सिंपल है कैसे ऑपरेट करना है इसके बारे में माउस और कीबोर्ड की जानकारी तो मैं देने वाला हूं कीबोर्ड पे फास्ट टाइपिंग कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी, भी मैं नॉलेज देने वाला हूँ साथ ही में मैं आपको बताने वाला हूँ अपने सीपीयू का जो बैक पैनल है उसके पार्ट्स को आप अटैच डिटैच कैसे कर सकते हैं क्योंकि आपने पहली बार कंप्यूटर खरीदा है या पहली बार कंप्यूटर को हाथ लगा रहे तो उस टाइम पर हमें यह पता नहीं होता है कि भाई कंप्यूटर के मॉनिटर की पिन कहाँ पर लगानी की बोर्ड माउस की पिन कहाँ पर लगानी है इंटरनेट की पिन कहाँ पे लगानी है पे लगानी, किसे क्या बोलते हैं ये सारी चीज़ों का जानकारी इस एक पर्टिकुलर कंप्यूटर फंडामेंटल वीडियो में मैं देने वाला हूँ बेसिकली कंप्यूटर फंडामेंटल होने वाला है जिनको बिल्कुल कंप्यूटर के बारे में पता नहीं कंप्यूटर के डेफिनेशन से लेकर हर एक चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेस्कटॉप की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ जब आप पहली बार कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो, तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप बिगिनर्स हो तो और इसके साथ साथ कंप्यूटर के कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ स्कैनर है तो स्कैनर के कौन कौन से टाइप होते हैं और उसका क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है स्कैनर से स्कैन इमेजेस कैसे होती है प्रैक्टिकली मैं आपको स्कैन करके भी दिखाने वाला हूँ कि स्कैनर से हम इमेजेस कैसे स्कैन कर सकते हैं साथ ही मैं प्रिंटर से प्रिंट कैसे कर सकते हैं और प्रिंटर की सारी सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ और ढेर सारे और भी इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में पूरी डिटेल जानकारी इस एक ही वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल का पूरा पूरा एक कोर्स होने वाला है दोस्तों आपके लिए और इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे लाइक शेयर और कमेंट मांगूंगा क्योंकि इस वीडियो को सब कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो के बाद अगर आप एंड तक देखोगे तो सही है ना दोस्तों स्वागत करता हूँ शुरू करते हैं ये कंप्यूटर फंडामेंटल जिसमें कंप्यूटर का ए टू जेड आपको पता चलने वाला है लेट्स बिगिन तो दोस्तों आइए कंप्यूटर फंडामेंटल में सबसे पहले ये जानते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है कंप्यूटर इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इट वर्क्स विद द इलेक्ट्रिसिटी ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलता है ऐसा नहीं कि भाई एक प्लेट एप्पल दो और ये खा के चालू हो जाएगा इट इज नॉट ह्यूमन बींग बेसिकली तो इसके लिए चाहिए क्या इलेक्ट्रिसिटी इट वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलने वाला नहीं है बेसिकली राइट सेकेंड थिंग क्या है यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं मशीन दैट कैन स्टोर डेटा फाइंड एंड अरेंज डेटा कैलकुलेट अमाउंट एंड कंट्रोल ऑर्र मशीन अब ये थोड़ा सा अंग्रेजी समाचार है मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसी मशीन जो डेटा को स्टोर कर सकता है डेटा को अरेंज करने का काम करता है वहाँ पे और दूसरे मशीनस को भी ऑपरेट करने का काम करता है या कोई भी कैलकुलेशंस होते हैं जैसे आर्थमैटिक एंड लॉजिक्स अलग अलग कैलकुलेशंस होते हैं वो भी यहाँ पर वो करता है कर सकता है और इतना ही नहीं बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर कर पाता है वो आपको पता ही होगा आजकल हर एक लाइक आप देखोगे स्कूल और कॉलेज ले लो वहाँ पे भी कंप्यूटर मिलेगा हर एक ऑफिस में आपको मिलेगा बड़े बड़े एमेंसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको कंप्यूटर मिलेगा डेटा हैंडलिंग करने के लिए या फिर आप देखोगे स्टोर रहते हैं अलग अलग वहाँ पर बिलिंग के लिए कंप्यूटर यूज़ किया जाता है डॉक्टर्स भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं पेशेंट भी यूज़ करते हैं आई मीन टू से बहुत सारी जगह पे यहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है कंप्यूटर की डेफिनेशन तो आपको समझ में आई होगी तो ये बात तो आपको पता चली और इसके जो फादर है जनक जिसे कंप्यूटर का जनक कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बैबिज जिन्होंने 1838 में कुछ एक मशीन इन्वेंट की थी उसको एनालॉग मशीन समथिंग नाम था और उसके बाद ये कंप्यूटर वैसे 1940 में आया लेकिन वो 1838 में से ये रिसर्च चल रहा था तो कंप्यूटर के अलग अलग जनरेशन भी रहे बहुत सारे उसके बारे में हम यहाँ पे नहीं जानेंगे हम हिस्ट्री नहीं जान रहे बेसिकली हम कंप्यूटर का फंडामेंटल जान रहे हैं तो मैंने बस डेफिनेशन बताई और कंप्यूटर का जो फादर है उनका नाम बताया चार्ल्स बैबेज करके है राइट आपको पता होना चाहिए बेसिकली जो स्क्रीन के ऊपर भी नाम मैंने दिया है तो दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर में डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं जो हर किसी को पता होना चाहिए क्योंकि इसमें तीन कैटेगरी होती है डिवाइसेस की एक इनपुट डिवाइस दूसरा होता है प्रोसेसिंग डिवाइस तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस अब इनपुट डिवाइसेस यानी जिन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा देते हैं याद रखिए जैसे ये की है ये माउस है ये माइक है या फिर वेब कैमेरा हो गया इन डिवाइसेज के थ्रू मैं कंप्यूटर में डेटा देता हूँ उनको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है द डिवाइसेस विद थ्रू इनपुट द डेटा टू द कंप्यूटर राइट तो ये डिवाइसेस होते हैं इनपुट डिवाइसेस दूसरे डिवाइसेस होते हैं प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग यानी कि सीपीयू जो कि इमेज मैं आपको सामने दिखा रहा हूं जिसके थ्रू कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होता है जो भी आप यहां पे इंस्ट्रक्शन देते हो कीबोर्ड और माउस से वो प्रोसेस करता है कि भाई इसे क्या कहना है इस इंसान की इंस्ट्रक्शन को क्या कहना है इंग्लिश के इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है मशीन को समझाता है और मशीन को बोलता है कि इसका आउटपुट दे और वो आउटपुट आता है आउटपुट डिवाइसेस पे जैसे कि मॉनिटर या फिर प्रिंटर ये सब आउटपुट डिवाइसेस है तो इनको ज़रा डिटेल में समझते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं और किसका आउटपुट क्या क्या होता है मैंने सारी चीज़ें एकदम प्रेजेंटेशन में बनाया और पूरी डिटेल में बनाई है तो आपको वीडियो एंड तक जब आप देखोगे तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आने वाली है ये बिगिनर के लिए काफी यूजफुल वीडियो होने वाला है दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंटेशन में देखते हैं कि कौन-कौन से डिवाइसेस का क्या-क्या इस्तेमाल किया जाता है तो आइए दोस्तों डिवाइसेस को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं सबसे पहले मैं कीबोर्ड और माउस के बारे में बताना चाहूंगा ये कॉमनली इनपुट डिवाइस है इनके बगैर आप कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते राइट मुश्किल है काम करना बेसिकली इनपुट के लिए आपको कीबोर्ड चाहिए रहता है क्योंकि आप टेक्स्ट और न्यूमरिक डेटा अगर इनपुट करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड की जरूरत है और वही अगर आप डिजाइनिंग ड्राइंग कुछ करना चाहते हैं तो माउस की जरूरत है तो ये कॉमनली इनपुट डिवाइस है इनके बगैर आप कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते याद रखिए उसके अलावा आपको और स्पेशलाइज इनपुट डिवाइसेस में मिलता है वेब कैमरा जिसके जरिए आप अपना वीडियो या फोटो कंप्यूटर में देख सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये वेब कैमरा मैं कौन सा यूज करता हूँ और डिवाइसेस अटैच करते समय इसे कैसे लगाना है मैं आपको बताने वाला हूँ आगे लेकिन साथ में अगर आप लैपटॉप पर देखना चाहोगे तो लैपटॉप पर यहाँ पे ये यह वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वेब कैमरा और साथ में यहाँ पे माइक भी होता है जो कि हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन दोस्तों माइक्रोफोन के जरिए हम जो भी बोलेंगे वो आवाज़ इनपुट होगा ना इनपुट वेब कैमरे के थ्रू हमारा वीडियो इनपुट होता है माइक्रोफोन के जरिए हमारा आवाज यहाँ पे इनपुट होगा साउंड राइट और यहाँ पे स्कैनर स्कैनर क्या होता है कि स्कैनर के जरिए हम इमेजेस स्कैन कर सकते हैं लेकिन स्कैनर यहाँ पे जो दिख रहा है इसे फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं स्कैनर का एक ही टाइप नहीं है ये स्कैनर का पहला टाइप मैंने आपको बताया फ्लैट बेड स्कैनर जहाँ पे आप फॉर्म इमेजेस फोटोज जो होते हैं ना वो स्कैन कर सकते हैं दूसरा स्कैनर बार स्कैनर ये तो आपने देखा होगा अलग अलग मेडिकल्स में भी होता है शॉपिंग सेंटर में भी होता है बार कोड स्कैन करने के लिए प्रोडक्ट के ऊपर का राइट और यहाँ पे MICR स्कैनर मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकेशन स्कैनर इसे बोला जाता है याद रखिए ये चेक, बैंक में चेक रीड करने के लिए होता है राइट और उसके बाद उस, स्कैनर आता है यानी ऑप्टिकल मार्क रिक्नाइजेशन ये जो ओ एमआर शीट रहती है ना अगर आपने स्कॉलरशिप की एग्जाम दी है तो आपको पता रहेगा वहां पे आंसर शीट को चेक करने के लिए होता है नेक्स्ट स्कैनर है ओ सी आर स्कैनर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोगनाइजेशन ये कोई पर्टिकुलर आपके पास सपोज नोट्स पड़े तो उसे रीड करने के लिए उसके ऊपर का टेक्स्ट रीड करने के लिए वो यूज़ किया जाता है तो यहाँ पे इस तरह के स्कैनर अवेलेबल रहते हैं ये इनपुट डिवाइसेस में पूरे आते हैं और इनपुट डिवाइसेस में इसके अलावा क्या आता है लाइट पेन जो कि आप यहाँ पे इस पर सिग्नेचर करोगे तो वो कंप्यूटर में दिखाई देगी और ये ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप निकालने गए होंगे तो भी आपने ये देखा होगा वहाँ पे इस तरह की सिग्नेचर वहाँ पर ली जाती है आपकी राइट right? आगे है जॉय गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है ये इनपुट डिवाइस है इसके थ्रू इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और आगे का डिवाइस है ग्राफिक पैड जो कि बहुत सारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में इसकी ज़रूरत होती है मैं आपको दिखाऊंगा लाइट पेन और जॉयस्टिक नहीं है मतलब ये डिवाइसेस मैं ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ लेकिन वेब कैमरा है या फिर जो जो डिवाइसेस मेरे पास है वो उनको अटैच करके मैं कंप्यूटर में दिखाने वाला वीडियो में आगे चलकर यहाँ पे देखिए पहले हम डिवाइसेस समझ रहे प्रोसेसिंग डिवाइसेस में हमारे पास आता है सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है आपको पता ही होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भाई ये सी है जिसके ज़रिए सारी चीज़ें प्रोसेस होती है ये अगर नहीं है तो हमारा कंप्यूटर चलेगा कैसे ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है कंप्यूटर का भी इसे कहा जा सकता है राइट right? क्योंकि ये चालू रहेगा तो ही सब कुछ चलेगा तो ये एक सिंगल चिप में रहता है ये जो आपको कैबिनेट रहा है लेफ्ट साइड में उसके राइट साइड में आप देखोगे तो एक मदर मतलब कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड रहता है और मदरबोर्ड के ऊपर ये चीप जो हाथ में दिखाई दे रही है ना वो चिप रहती है यही एक सिंगल चिप पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करती है इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है यूनिट कहा जाता है राइट right? और आउटपुट डिवाइसेस में तीन चीजें आती है मॉनिटर आउटपुट में आता है प्रिंटर और आउटपुट में आता है स्पीकर अब मॉनिटर जो होता है ये आपको सॉफ्ट कॉपी देता है यानी कि आप डिस्प्ले पता है आपको क्या आउटपुट आने वाला है और उसमें आप एडिट भी कर सकते हैं लेकिन प्रिंटर जो होता है वो हार्ड कॉपी देता है एक बार प्रिंट आउट निकल गया तो भाई उसमें एडिट करना मुश्किल है राइट इसलिए उसे हार्ड कॉपी प्रिंटर आउटपुट इज नोन एज हार्ड कॉपी मॉनिटर आउटपुट इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी और स्पीकर का आउटपुट तो आपको पता है बचाओ भाई एक म्यूजिक हो जाए राइट तो ये सब चीज़ें होती है आपको पता चला होगा इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अब मैं प्रैक्टिकली इन्हें अटैच वगैरह करके दिखाना चाहूँगा अब हमने इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस जान लिए ले, लेकिन इन्हें कंप्यूटर के साथ कैसे अटैच किया जाता है इसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा अगर आपने पहली बार कंप्यूटर लिया है तो चलिए डिवाइसेस को कैसे अटैच किया जाता है बेसिकली बहुत इजी है लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी होती है पहली बार आप उन डिवाइसेस को अटैच कर रहे हो तो मैं आपको इसे प्रैक्टिकली दिखाता हूँ तो आइए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम अपने कंप्यूटर का बैक पैनल देखने वाले डिटेल में और इसके ऊपर जो अलग अलग केबल्स हमें लगानी है उसे प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ पहली बार अगर आपने कंप्यूटर लिया तो कैसे लगाना है आइए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं केबल ले रहा हूं ये है पावर केबल जिससे हमारे कंप्यूटर को पावर मिलती है ये पावर केबल होती है ये केबल सारी के सारी मैंने यहाँ पे लेके रखी है ये दूसरा एंड तो आपको लगाना है आपके जहाँ पे जहाँ से पावर आप इसे दोगे राइट आपके बोर्ड में इसे आपको लगा देना है और यहाँ पे आपको ये जो पिन है ये पावर केबल ए सी टू थर्टी होल्ड में यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ ये देखिए यहाँ पे प्रॉपरली आप इसे लगा दो ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें लगाने में बस इसे ऐसा प्रेस कर देना है निकालते समय बस ऐसा खींच लेना है काम खत्म ओके ये मैंने यहाँ पे लगा दिया तो पहले केबल हमने लगाना सीख ली बहुत सारी केबल मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके रखी है जो बैक पैनल में लगती है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वन बाय वन करके लगा के राइट इस केबल को इस तरह से लगाते हैं ये पावर केबल है और दूसरा एंड लगा दो तो पावर को और चालू करो मतलब अभी चालू मत करो बाकी ये कनेक्शन लगा दो उसके बाद मैं मॉनिटर का आउटपुट लगाने वाला हूँ यहाँ पे मतलब यहाँ से यहाँ पे देखिए मॉनिटर को हमें आउटपुट भेजना है तो ये रहा वी देखिए दो तरह के आउटपुट आपको मिलते हैं एक वी मिलता है वीजियो वीडियोग्राफिक अडेप्टर वी और दूसरा एच हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इसका नाम एच है यहाँ पे आप पढ़ोगे तो नाम भी दिए रहता है वो कैबिनेट के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन कैबिनेट पे यहाँ पे नाम दिए यहाँ पे एच केबल लगती है उससे भी आउटपुट आता है लेकिन उसके लिए मॉनिटर के ऊपर भी एच कनेक्शन होना चाहिए तो एच कुछ इस तरह से केबल आपको दिखाई देगी जो एच डी मॉनिटर अगर आपके सपोर्ट कर दे तो उसके लिए लगेगी तो एच केबल डिस्प्ले यहाँ से आएगा देखिए मैं सपोज ये केबल इस तरह से ये कोई भी केबल उल्टी नहीं लग सकती याद रखिए इनको एक प्रॉपरली स्लॉट दिए रहते हैं वैसे वो लगेगी तो यहाँ पे आप लगाने जाओगे तो ऐसा सपोज मैंने इसे उल्टा लगाने की कोशिश की यहाँ पे नहीं होगा ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है प्रॉपरली

तो ये जो पुराने मॉनिटर होते हैं बीजीए सपोर्ट करते थे उसमें फिफ्टीन पिनस यहाँ पर नीडल्स रहती है तो इसे आप उल्टा लगाने की कोशिश मत करो अगर आपने इसे ये ऐसा सीधा है लेकिन आप इसे ऐसा इस, इस तरह लगाने जाओगे तो ये तो और ज़बरदस्ती करोगे तो ये पिन टेढ़ी हो जाएगी तो यहाँ पे एक याद रखना है कि भाई ये स्क्रू थोड़े से पीछे खींच लो पहले इसमें ये स्क्रू है साइड में दो और फिर आप यहाँ पे देखो मैं इसे लगा रहा हूँ अब ये स्क्रू आपको दिखाई दे रहे इसको पूरा लगा दिया स्क्रू को आपको इस तरह से टाइट करना है देखिए एच में ऐसे कुछ स्क्रू नहीं है वो यू की तरह ही होता है एच कोई दिक्कत नहीं उसको लेकिन ये वाला जो है इसमें आपको स्क्रू ऐसे टाइट करने है निकालते समय इसे खींचना नहीं है पहले बहुत सारे लोग पता नहीं रहता कि यहाँ पे स्क्रू है तो ये पहले स्क्रू इसके क्या करो लूज़ कर लो इसको भाई और लूज़ करने के बाद तो ये निकल जाएगा पहले इनको ऐसा लूज़ कर देना है एंड देन यू कैन लाइक ऐसे निकाल सकते हैं तो ये विजेक कैसे लगाना है ये मॉनिटर आउटपुट राइट आपका डिस्प्ले आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे उसके बाद अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर का भी आपको वायर मिल जाएगा वो भी यूज़ भी रहता है कीबोर्ड माउस का भी यूज़ भी रहता है प्रिंटर और कीबोर्ड माउस सबका यूज भी मिलता है दोस्तों तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैं कुछ यू एस कलेक्ट कर रहा हूँ सपोज ये कीबोर्ड का रहेगा माउस का रहेगा सब यू भी सेम रहते हैं आपको यहाँ पे भी यू भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे दो यू भी है यहाँ पे दो यू एस है और इसके अलावा और यूज़ भी अगर आपको लगाने मतलब चार यूएस भी तो है आपके पास सपोज कीबोर्ड लग गया प्रिंटर लग गया माउस लग गया स्कैनर लग गया चारों लग गए और आपको और एक यूएस भी लगाना है पेन ड्राइव वगैरह तो उस टाइम पे आप फ्रंट पैनल में लगा सकते हैं सी के आगे भी यूज़ भी रहते हैं और वहां पर भी खत्म हो गए पूरे पूरे तो आप यूएस एक्सटेंशन खरीद सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ मैंने एक इमेज रखी है ऑलरेडी ये भी हमने एक परचेस किया है वो एक्सटेंशन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि कौन सा एक्सटेंशन यूज़ भी अच्छा रहेगा जो प्रॉपर आपको क्या बोलते हैं ना प्रॉपर कनेक्शन करने के लिए बहुत सारे आप एक जगह पर बहुत सारी यूज पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आप वीडियो में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम कौन सा यूज करें और वो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ये यू एस बी पिन सभी के सभी इस तरह से लगा देनी है राइट यू एस बी पिन है कोई दिक्कत नहीं होती अगर आपके पास वायरलेस माउस है तो कुछ इस तरह की पिन आपको मिलेगी यहाँ पे आप देख सकते हैं आई बॉल का एक वायरलेस कीबोर्ड माउस है मेरे पास तो उसका ये पिन छोटा सा मिल रहा है मुझे ये अडेप्टर बोल सकते हैं आप इसे तो ये यू एस बी एडेप्टर आपको क्या करना है इसमें यू एस बी में लगा देना है बस ये एक ही पिन से कीबोर्ड माउस दोनों चलते हैं अगर आपने एक साथ कीबोर्ड माउस खरीदे हैं तो वायरलेस राइट तो एक ही पिन से दोनों के दोनों कनेक्ट हो जाते हैं कीबोर्ड माउस और चालू हो जाते हैं तो एक ही पिन लगाओ तो कीबोर्ड माउस चलेगा वायरलेस टेंशन नहीं वायर खिचड़ी नहीं बनानी आपको वायर की तो आप वायरलेस खरीदेंगे तो भी चलेगा मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वायरलेस की आपके लिए बेस्ट रहेगा और मैंने कौन सा खरीदा उसकी लिंक सारी चीज़ों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कौन सा अच्छा रहेगा अब मैं इनको यूज कर चुका हूँ और इसका यूज़ करने के बाद रिव्यू दे रहा हूँ अभी ये वायरलेस की बोर्ड मैं उसका भी एक साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ आई का एंड काफ़ी अच्छा है उसके लिए मैं बैटरी कौन सा यूज़ करता रहा हूँ ये भी मैं बताऊँगा सारी चीज़ें डिटेल में रहेगी आपके लिए ताकि आप आगे चलकर कंफ्यूज़ ना हो भी भाई कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया yeah <laughs> रहेगा आपके लिए सभी चीज़ों का ओके और ऑफलाइन भी लेना चाहते हो तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं अभी ऑडियो लगाने के लिए सिंपल है ऑडियो का पिन जो रहता है आपका वो यहाँ पे लगेगा ऑडियो का पिन अगर आपका ऑडियो और माइक है तो माइक का पिन यहाँ पे लगेगा एम्पलीफायर का पिन यहाँ पे लगेगा ये सारे पिन आप इस तरह से लगा सकते हैं तो ऑडियो सुनना है तो यहाँ पे पिन लगाओ आगे भी फ्रंट ऑडियो भी रहता है सी के फ्रंट पैनल में भी ऑडियो रहता है ऑडियो तो आप आसानी से लगा सकते हैं बच्चा बच्चा जानता है राइट तो बेसिकली हेडफोन लगाना वैसे ही है यहाँ पर और उसके बाद ये है इंटरनेट आर जी फोर्टी राइट लैंड कनेक्टर तो यहाँ पे लैंड कार्ड का पोर्ट आपको दिख रहा है एक्चुअली अंदर नेटवर्क कार्ड इन रहता है मदरबोर्ड के साथ तो ये जो होता है यहाँ पे आपको लगाना है आपका इंटरनेट का वायर राइट ये आर जे कनेक्शन के अंदर ये इंटरनेट की पिन हम यहाँ पे लगा रहे हैं याद रखिए है, और उसे निकालते समय आपको जब ये इंटरनेट की पिन निकालनी है तो इसमें एक नॉच रहता है छोटा सा मैं आपको ये नॉच प्रेस करके दिखा रहा हूँ ये देखिए यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे ना मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नॉच मैं प्रेस कर रहा हूँ अगर आपको आप ध्यान से देखिए मैंने वैसे भी जूम करके दिखाया यहाँ पर ओके okay, तो मैं इसको प्रेस करूंगा पहले प्रेस करूंगा और पीछे खींचूंगा याद रखिए प्रेस करके पीछे खींचूंगा तो ये निकल जाएगा तो आप ये ये नॉच रहता है लगाते समय आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है इस तरह से लगा दो निकलते समय ये लगा सकते हो तो इंटरनेट की वायर इस तरह से यहाँ पे लगाई जाती है तो बेसिक कनेक्शन है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बैक पैनल में पावर लगता है यूज़ भी एच डी एम आई वी जी से यूज दिया गया है यहाँ पे भी यूज़ एक्स्ट्रा दिया गया है आपको यहाँ पे भी यू है एक्चुअली यू बहुत सारे दिए गए छे छह यू मेरे पास इसमें कभी कभी कैबिनेट में चार यू एस रहते हैं बैक पैनल में यहाँ पे लाइन कार्ड लगेगा और यहाँ पे ऑडियो लग जाएगा और यहाँ पे आपको कुछ स्लॉट्स uh, दिखाई दे रहे हैं ना ये कैबिनेट में इस तरह से तो यहाँ पे आप ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हैं राइट और ग्राफिक कार्ड वगैरह कैसे लगाना है या सारी चीजें कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलिंग कैसे करना है इसके लिए ऑलरेडी मैंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पर एक वीडियो बनाया जिसके लिंक ऊपर आई बटन में है लगभग दो घंटे का वो वीडियो है जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलिंग या कंप्यूटर से रिलेटेड बाकी सारी चीजें मैंने बताई है या

तो दोस्तों कंप्यूटर फंडामेंटल में मैं आपको कीबोर्ड की जानकारी देना चाहूंगा कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती है और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक प्रेजेंटेशन में मैं आपको ये बताने वाला हूँ स्क्रीन के ऊपर तो आइए दोस्तों आप कीबोर्ड की कीज के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो अल्फाबेट्स दिख रहे हैं इन्हें अल्फाबेटिक कीज कहा जाता है अल्फाबेट्स टाइप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है राइट दूसरा यहाँ पे न्यूमरिक कीज का आपको एक पैनल दिख रहा है न्यूमरिक कीज इन्हें कहा जाता है नंबर्स टाइप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूमरिक कीज याद रखिए न्यूमरिक एक सेक्शन आपको अलग सा मिल जाता है कीबोर्ड बोर्ड की के ऊपर उसके बाद यहां पे भी आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन इन्हें कहा जाता है अल्फा न्यूमरिक कीज याद रखिए क्योंकि इसके ऊपर आपको एक्सप्लेमेटरी एट द रेट हैश डॉलर परसेंटेज है ऐसे साइन मिल रहे हैं और इन साइन को अगर आपको प्रेस करना है मतलब आपको ये टाइप करना है तो बेसिकली आपको शिफ्ट के साथ ये वन प्रेस करना होगा जब आप शिफ्ट होल्ड करके याद रखिए शिफ्ट को प्रेस करके वन प्रेस करोगे तो यहां पे क्या होगा एक्सलोमीटरी साइन आएगा शिफ्ट टू प्रेस करेंगे तो एट द रेट शिफ्ट थ्री प्रेस करोगे तो हैश इस तरह से आएगा अगर आप विदाउट शिफ्ट करते हो तो ये वन टू थ्री फोर टाइप होने वाला है राइट तो आपको याद रखना है कि शिफ्ट होल्ड करना है आपको ऊपर वाले ये जो सिंबॉल्स या जो भी दिख रहे हैं वो आप टाइप कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर कह सकते हैं राइट उसके बाद नेक्स्ट कीज़ की तरफ बढ़ते हैं वो है नेविगेशन कीज़ अगर पेज में अप एंड डाउन या लेफ्ट एंड राइट मूव होना है तो नेविगेशन कीज़ की हमें ज़रूरत है नेविगेशन कीज़ किसे कहा जाता है एरो कीज इसे बोल सकते हैं हम लोग राइट नेक्स्ट कीज़ की तरफ बढ़ते हैं वो है एक्स्ट्रा कीज़ जैसे कि हमें टेक्स्ट डिलीट करना है इंसर्ट करना है या फिर पेज अप पेज डाउन एक पेज से दूसरे पेज में जाना है पेज के स्टार्टिंग में जाना है या पेज के एंडिंग में जाना है या फिर प्रिंट स्क्रीन करना है ये दिखाई दे रहा है आपको ये प्रिंट स्क्रीन भी आता है इसमें एक्स्ट्रा कीज इन्हें कहा जाता है ओके okay, नेक्स्ट यहाँ पे आपको फंक्शन कीज़ दिखाई दे रहा है इनका रेगुलर सॉफ्टवेयर लाइक बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ज़्यादा यूज़ नहीं होता जैसे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में वहाँ पे कुछ लाइक like F1 वन हेल्प के लिए होता है एफ टू री नेम हो ऐसे कुछ शॉर्टकट कीज़ ही यूज़ होती है बाकी इसमें स्पेशलाइज एप्लीकेशन में इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है याद रखिए जैसे फोटोशॉप करोलरा वगैरह में बहुत सारी जगह पर इसका यूज़ किया जाता है या फिर टैली में तो बहुत ज़्यादा यूज होता है ये है फंक्शन कीज़ एफ़ टू एफ याद रखिए फंक्शन कीज़ जो टॉप में दिख रही है आपको की पे पर राइट उसके बाद स्पेशल कीज़ की बारी आती है स्पेशल कीज में ऐस Tabs, caps lock, shift, control, ये जो पैनल दिख रहा है है, है, ना आपको इधर इधर भी है, shift भी है. वो इसलिए क्योंकि आप लेफ्ट साइड से भी ए, सपोज मुझे शिफ्ट के साथ ए प्रेस करना है तो मैं शिफ्ट ए लेफ्ट प्रेस कर सकता हूँ राइट साइड का मुझे shift और कोलम तो right में प्रेस कर सकता हूँ तो इसके लिए दोनों जगह पे शिफ्ट दिया है याद रखिए फास्ट टाइपिंग करने के लिए ये की ज़्यादा यूज़ होती है शिफ्ट वगैरह तो इसके लिए दी गई है क्योंकि शिफ्ट के साथ अल्फाबेट कैपिटल करना है तो आप उस शिफ्ट के साथ ही कर सकते हैं कैपिटल स्मॉल एक अल्फाबेट कैपिटल करना है पूरे इसमें तो शिफ्ट के साथ और पूरे अल्फाबेट कैपिटल करना है तो कैप्स लॉक ऑन रखना है कैप्स लॉक ऑन रखते हैं यहाँ पर लॉक की बत्ती जल जाती लाइट जल जाती है ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए और पता होगा ये बेसिक चीज़ें हैं कैप्स लॉक बंद करते हैं यहाँ पर लाइट बंद हो जाते हैं और लॉक ऑन रहेगा यानी कि लाइट ऑन रहेगी तो कैपिटल टाइप होगा कैप्स लॉक दोबारा प्रेस करोगे तो स्मॉल टाइप होगा कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट से क्या होगा कि कोई अल्फाबेट एक कैपिटल करना है तो शिफ्ट होल्ड कीजिए और वो अल्फाबेट टाइप कीजिए शिफ्ट छोड़ दीजिए और फिर टाइप कीजिए वो स्मॉल आएगा अगर कैप्स लॉक बंद है तो कंट्रोल और उसके साथ भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज यहाँ पे बनती है और ढेर सारी शॉर्टकट कीज़ का ऑलरेडी मैंने चैनल के ऊपर वीडियो बनाया है तो ये स्पेशल कीज़ कहा जाता है इन्हें तो मैंने बेसिकली सारी कीज़ बताई जो कि की कीज़ आपको दिखाई दे रही है कि अल्फाबेटिक किसे कहा जाता है न्यूमरिक किसे कहा जाता है या फिर फंक्शन की क्या होता है अल्फा न्यूमरिक क्या होता है एक्स्ट्रा कीज़ एंड स्पेशल कीज़ ओके इन कीज़ को याद रखिए की बोर्ड के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है अब हम देखते हैं कि की बोर्ड पर फास्ट टाइप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं मैं आपको एक डेस्क पर दिखाता हूँ क्या क्या कर सकते हैं मैं की बोर्ड ऊपर दिखाता हूँ डायरेक्टली ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों लेकिन अब तक का वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा अगर इस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हो तो और अगर मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है तो एक बार आपको मेरा ऐप चेक जरूर करना चाहिए डिस्क्रिप्शन में लर्न मोर ऐप की लिंक दी है या फिर लर्न मो इस वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं दोनों एक दूसरे के साथ इंटर लिंक है आप ऐप पे अकाउंट बनाओ या वेबसाइट पे अकाउंट बनाओ दोनों पे भी कोर्सेज एक्सेस करने आपको मिलेंगे यहाँ पे पावर पॉइंट और पब्लिशर कोर्स बिल्कुल फ्री में है कोर्स के अंदर पूरे वीडियो कंटेंट है टेस्ट अटेंड करने मिलेगा प्रैक्टिस फाइल है और ढेर सारी चीजें आप खुद ही चेक कीजिए लर्न मोर ऐप को डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है एक बार जरूर चेक कीजिएगा जहाँ पे आपको फ्री पी भी मिलने वाले फ्री डेली कंप्यूटर नॉलेज चेक करने के लिए टेस्ट भी आपको मिलेगी तो एक बार जरूर चेक करना चाहिए आपको हमारे हमारे ऐप को, राइट? तो फिलहाल अपने आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों कीबोर्ड कीज की तो जानकारी हमने ले ली अब की बोर्ड के फास्ट टाइपिंग कैसे करना है क्या रूल आपको फॉलो करने हैं? तो यहां पे मैं सबसे पहले बताऊं ये जो एबीसीडी अल्फाबेट आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये जो रो है ये मिडल रो कहा जाता है ये मिडल रो पे आपको पहले फिंगर्स रखनी है कुछ इस तरह से लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं कि जे और एफ आपको जो दिख रहा है ना इसके ऊपर थोड़ी सी उभरी हुई लाइन आपको दिखाई दे रही है इससे आपको ये पता चलता है कि ये मिडल रो है मतलब आप कीबोर्ड पे नहीं देखोगे तो भी आपको ये पता चलेगा चले कि भाई आपका ये मिडल रो है क्योंकि आप फिंगर रखो उसके ऊपर जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एफ के ऊपर पहला फिंगर मैंने रखा है आप देख सकते हैं फर्स्ट फिंगर फिर उसी के साइड में मैंने मिडल फिंगर फिर रिंग फिंगर और लिटल फिंगर इस तरह से रखा है लेफ्ट साइड में एफ उसके बाद डी एस और ए इस तरह से फिंगर रखना है आपको और राइट right साइड में आपको जे फर्स्ट फिंगर देन मिडल फिंगर के रिंग फिंगर आपको रखना है एल और उसके बाद सेमी कॉलर तो इस तरह से फिंगर आपको रखनी है मिडल रो के ऊपर और ये मिडल रो की फिंगर आपको रख के प्रैक्टिस करनी है ए एस डी एफ और के एल टाइप करना होगा इसके लिए ऑलरेडी मैंने टाइपिंग का एक वीडियो बनाया था कि टाइप पास कैसे करें उसका लिंक ऊपर आई बटन पे मैं आपके लिए दे रहा हूं वो भी आप देख सकते हैं राइट और इसी फिंगर को आप ऊपर लेके जाना है वैसे आप क्यू डब्ल्यू आर के ऊपर लेके जा सकते हैं क्वालिटी की ये क्वेरिटी पैटर्न की है और उसमें टाइपिंग का यही पैटर्न आपको फॉलो करना है और वही फिंगर आपको नीचे लेके आना है नीचे बॉटम रो पे तो ये कीबोर्ड पे टाइप करने का फास्ट टाइप करने का तरीका है और आपको और भी डिटेल में सीखना है तो उस वीडियो को जरूर देख लो कि सात अलग अलग टिप्स मैंने शेयर किए फास्ट टाइपिंग करने के तो की बोर्ड की पूरी जानकारी मैंने आपको बताई पहली बार आप की बोर्ड यूज करें तो कैसे यूज करना है मैंने आपको बताया तो दोस्तों अपनी कीबोर्ड के बारे में तो अभी जान लिया अब कीबोर्ड ऑपरेट करना आपको अच्छे से आ जाएगा डेफिनेटली और इस बात पे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा अब हम माउस के बारे में जानने वाले ये बेसिकली वायरलेस माउस है तो ये वायरलेस माउस ये कीबोर्ड भी वायरलेस है ये देखिए वायर है नहीं इसको तो आपके ऊपर है वायरलेस लेना है नहीं लेना है बेसिकली डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए लिंक दी है अगर आपको बेस्ट वायरलेस की लेना है तो मैं आई का यूज़ कर रहा हूँ आप डेल का भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी कंपनी का चाहिए तो यूज़ कर सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में बेस्ट की का लिंक दे दिया वायरलेस की का आप वहाँ से खरीद सकते हैं अगर आपको लेना है तो बेसिकली वो एक एपलेट लिंक है मुझे भी थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा अगर आप वहाँ से लेते तो सीधी बात बोल देता हूँ और ये जो माउस है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा वैसे भी माउस का इंट्रोडक्शन बहुत छोटा है ये माउस आ, इसका नाम क्यों रखा है बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि ये हमारे स्क्रीन का कोई भी पार्ट एक्सेस कर सकता है जैसे हमारे घर के अंदर जो चूहा होता है ना वो घर में कोई भी पार्ट एक्सेस कर सकता है राइट वो कहीं पर भी चला जाता है तो बेसिकली उसी को देख के ये स्क्रीन के ऊपर कोई भी पार्ट एक्सेस कर सकता है और इसकी खासियत मैं बताऊँ कि ये ड्रॉइंग और डिज़ाइनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपके पास माउस नहीं है ड्रॉइंग और डिज़ाइनिंग के टाइम पर तो मुश्किल है भाई की बोर्ड तो पॉसिबल नहीं क्योंकि कीबोर्ड खाली डेटा एंट्री के लिए यूज होता है लेकिन माउस की मदद से आप बाहुबली जैसा मूवी बना सकते हैं आपको पता है ना बाहुबली देखा है सबने यार <laughs> तो ऐसा कुछ बना सकते हैं माउस की मदद से बेसिकली ये माउस आपको ड्राइंग और डिजाइनिंग के लिए कंपलसरी रहता है तो माउस के बारे में थोड़ी सी जानकारी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से बटन रहते हैं इसका निर्माण किसने किया है स्क्रीन में एक प्रेजेंटेशन में मैं दिखाना चाहूँगा तो आइए दोस्तों माउस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं थोड़ी सी जानकारी इसलिए क्योंकि इसकी जानकारी बहुत छोटी है माउस में आपको एक लेफ्ट क्लिक मिलता है यहाँ पे एक स्क्रॉल बटन मिलता है बीच में और एक राइट क्लिक आपको यहाँ पे मिलता है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है अब लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल क्लिक एंड ड्रैक के लिए होता है डबल क्लिक के लिए होता है ट्रिपल क्लिक के लिए होता है और राइट क्लिक खाली राइट क्लिक ही होता है जब भी मुझे लेफ्ट क्लिक करना है तो मैं खाली क्लिक ही बोलूंगा याद रखिए अगर मैं क्लिक बोलूंगा तो आपको ये नहीं पूछना है कि राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक लेफ्ट क्लिक को खाली क्लिक बोला जाता है राइट क्लिक को राइट क्लिक बोला जाता है याद रखिए और बीच में स्क्रोल बटन होता है पेज को अप एंड डाउन करने के लिए ये जो बीच में आपको स्क्रोल बटन दिख रहा है वो पेज को अप एंड डाउन करने के लिए यूज किया जाता है स्क्रोलिंग करने के लिए यूज किया जाता है और इसे इन्वेंट किया है डॉगलस एंगलबार्ट नाम के साइंटिस्ट ने हिंदी में आप इसे दो ग्लास भी बुला सकते हैं और पहला माउस कुछ इस तरह से दिखता था जो कि आपको इमेज के ऊपर दिखाई दे रहा है तो दोस्तों माउस कीज के बारे में मैंने आपको बता दिया और ये माउस तो आपको दिखाई दे रहा है मेरा वायरलेस माउस है आईबॉल का और ये काफी अच्छा माउस है और ये क्वालिटी माउस है मैं एक साल से इसे यूज कर रहा हूँ ये वायरलेस माउस को और तो यहाँ पे माउस के नीचे मैं आपको बताऊँ की एक लेजर लाइट रहता है जिसके जरिए लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करता है और यहाँ पे नीचे एक बैटरी भी लगी हुई रहती है यहाँ पे आपको ओपन दिखाई दे रहा है इसमें एक छोटा सा बैटरी लगा रहता है जो कि काफ़ी दिन चलता है मतलब लगभग मुझे तो तीन चार महीने तक ये बैटरी जाता है मैं डेली यूज़ करता हूँ आठ आठ घंटे के लिए फिर भी ये माउस की बैटरी मुझे यूज़ होती है थर्टी रुपीज़ में बैटरी मिलती है तो बेसिकली आप वायरलेस की माउस लोगे तो काफ़ी कम्फर्ट फील करते हो काम करने में तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वायरलेस की माउस के लिए जाओ डिस्क्रिप्शन में लेंगे या फिर आप आपके ऑफलाइन स्टोर में से भी कहीं से खरीद सकते हैं तो फिलहाल कीबोर्ड और माउस की जानकारी तो मैंने आपको दे दी दोस्तों आइए कीबोर्ड माउस तो हमने देख लिया अब माइक और वेब कैमरा साथ में देख लेते हैं इन्हें कनेक्ट कैसे किया जाता है माइक और वेब कैमरा कैसे यूज किया जाता है प्रैक्टिकली इस स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाना चाहूंगा तो दोस्तों यहाँ पे माइक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ दो तरीके की माइक मेरे पास है मैं यूज कर रहा हूँ आप यूएसबी माइक भी खरीद सकते और थ्री पॉइंट वाला भी माइक खरीद सकते तो यूएसबी माइक में जो होता है एक्चुअली थोड़ा सा महंगा है सैमसंग कंपनी का है आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ये जो माइक है एक्चुअली ये इसकी खासियत ये है कि भाई फैन चालू रहेगा तो भी नॉइज़ नहीं आता है तो ये भी मैंने अमेजोन से मंगवाया था अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया अगर आप मेरी तरह यूट्यूबर वगैरह कुछ बनना चाहते हैं तो आपके लिए यूज़फुल रहेगा थोड़ा तो सा कॉस्टली लगभग दस साढ़े दस हज़ार तक आपको ये मिल जाता है लेकिन इसमें बेनिफिट होता है कि आपके आजू बाजू में कितना भी नॉइज रह रहे तो ये रिड्यूस हो जाता है और आपका आवाज़ ही रिकॉर्ड होता है राइट आप क्लोजली यहाँ पे माइक आपको बस क्लोज पकड़ना रहता है बोलते समय इस माइक की खासियत ये है कि भाई इसमें एम्पलीफायर का भी कनेक्शन मिलता है और यहाँ पे आप यूएसबी पिन भी लगा सकते हैं जो आपके कंप्यूटर को आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ये इसकी कनेक्शन है ये यहाँ पे इनपुट होगा और दूसरा जो पिन है वो उसका दूसरा एंड वो यूएसबी होता है जो आप अपने कंप्यूटर में डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं ये माइक काफ़ी यूजफुल होता है यहाँ पे रिकॉर्डिंग के टाइम पर अगर आपको कुछ रिकॉर्ड करना है प्रॉपरली क्लियर वॉइस के साथ यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है और उसके बहुत सारे फीचर्स हैं आगे चलकर मैं आपको कभी दिखाऊंगा माइक के बारे में डिटेल फिलहाल यहाँ पे दूसरा माइक भी है मेरे पास थ्री पॉइंट जैक वाला जो कि आप देख सकते हैं ये छोटा सा माइक है बोया का और ये लगभग ये बहुत सस्ता है हज़ार डेढ़ हज़ार रुपये में मिल जाएगा आपको उससे भी कम प्राइसेस रहते हैं अवेलेबल नेट पे और इसकी वायर काफ़ी लंबी है और ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप Uh, कोई रिकॉर्ड करना चाहते प्रॉपरली लेकिन कॉलर पे लगा के आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं राइट और ये दूसरी पिन जो थी थ्री पॉइंट फाइव है वो माइक कहाँ पे लगानी पिन मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब कनेक्शन लगाते हैं तो वहाँ पे ये पिन लगाई जाती है अब हम कैमरे के बारे में जानते हैं यहाँ पे आइए है है। यहाँ पे मेरे ये जो स्क्रीन है उसके ऊपर मैंने कैमरा लगाया हुआ है यू कैमरा मैं आपको इसको निकाल के भी दिखाना चाहूँगा ये है लॉजिटेक का यू कैमरा ये क्वालिटी कैमरा है इसके अंदर जो इमेज आती है क्लैरिटी मतलब क्वालिटी रहती है मैं आपको एक इमेज भी, भी व्यू करके दिखाऊंगा इसको अटैच कैसे किया है ये भी यू है इसको बस एक यू साथ में आपको मिलती है इसको यहाँ पर लगा देना है और यहाँ पर यू मैंने लगा दिया है सी में आप देख सकते हैं एस बी यहाँ पे लगा दिया मैं सी को मैं अटैच कर रहा हूँ इसको ये मेरा गेमिंग सी है उसमें मैंने इसको लगा दिया है ऊपर आप देख सकते हैं तो उसका डायरेक्टली मैंने पिन लगा दिया अब मैं कंप्यूटर पे यहाँ पे दिखाना चाहूंगा उसको चालू करते करके कि कैसे चालू करते डायरेक्टली इसके लिए कोई ड्राइवर नहीं आप बस कैमरा टाइप कीजिए आपके सर्च बॉक्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च में मैंने कैमरा टाइप किया और जैसे मैं कैमरा टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे कैमरा टाइप हो रहा है और ये शूट हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं तो यू कैन सी कितना क्वालिटी है इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है जब आप ऑनलाइन लेक्चर लेना चाहते हैं या फिर कुछ भी आप टीचर हो तो आपको यह जरूरी हो सकता है तो ये कैमरा अगर आपको लेना है तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आप ऑफलाइन मार्केट में भी चेक कर सकते हैं इसके बारे में एमजॉन की लिंक भी मैं आपके लिए दे रहा हूँ तो बेसिकली जो चीजें मैं यूज करता हूँ वो सारी मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे रहा हूँ तो ये कैमरा कैसे काम करता मैं है मैंने आपको दिखाया अभी मैं ज्यादा व्यू नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन एक्जाम्पल मैंने आपको बताया कि आपको जो कैमरा वेब कैमरा जरूरी होता है कब ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह लेना है कंप्यूटर पर ले रहे हो बेसिकली लैपटॉप पर तो इन रहता ही है कंप्यूटर uh, पे चाहिए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको हमारे के चलिए देखते है। तो दोस्तों, अभी मैं के बारे में बताने वाला हूं आपको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा बेसिकली ये प्रिंटर है एचपी लेजर जेट वन जीरो टू जीरो प्लस ये काफी फास्ट प्रिंट करता है ये एचपी का कहना है एक मिनट के अंदर लगभग चौदह पंद्रह पेजेस भी प्रिंट हो जाते हैं तो ये प्रिंटर आपको इसलिए लेना चाहिए क्योंकि अगर आपका ऑफिशियल काम है डेली आपको बहुत सारे प्रिंट करने हैं तो ये प्रिंटर आपको यूज करना चाहिए मैं भी यूज करता हूँ ऑफिस में इसे कैसे कनेक्ट करना है ये पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कनेक्शन कैसे होता है इसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल किया जाता है स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम देखने वाले और ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद हम एक प्रिंट टेस्ट पेपर प्रिंट करके भी मैं आपको दिखाऊंगा प्रिंट कैसे करते हैं तो बेसिकली बहुत इजी चीज है सिस्टमेटिक वे से मैं आपको बताने वाला हूँ लेकिन जब आप प्रिंटर पहली बार लेते हो तो इसमें टोनर आता है यहाँ पे आप देखेंगे इसका कार्टरेज जो बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मैं इसे ओपन करता हूँ ट्रे को यहाँ पे अंदर मैंने

पहले केबल जो मिलेगी ये दोनों केबल एक पावर केबल होती है और एक रहता है आपका यूएस केबल तो पावर केबल कनेक्ट कैसे करना है आपको दिख रहा है यहाँ पे वीडियो में मैं कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ पावर केबल अटैच करना है आपके पावर से डायरेक्टली जो भी आपका एसी पावर है और पावर केबल के बाद यूएस केबल भी आपके प्रिंटर को और एक आपकी कंप्यूटर को कनेक्ट करना है ओके सो ये कनेक्ट हो गया सपोज आपने ये केबल्स कनेक्ट कर दी प्रॉपरली अभी आप कंप्यूटर पे आते हो और कंप्यूटर पे कंट्रोल पी दबाते हो तो तुरंत प्रिंटर आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि ड्राइवर ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा तो इसके साथ जो मिलती है वो आपको आपके ड्राइवर में डालनी पड़ेगी आपके पास सीढ़ी नहीं है तो आपको करना क्या है कि इस को जहां पे भी राइटर है जिसके पास तो वहां से उसे पेन ड्राइव में कॉपी करके लेना है सीढ़ी के अंदर का ड्राइवर तो मैंने भी वैसे किया इस कंप्यूटर में पेन ड्राइव में कॉपी करके लिया और मैं आपको दिखाता हूं मेरे कंप्यूटर पे कैसे ड्राइवर इंस्टॉल होता है ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर तो अब आपने प्रिंटर तो कनेक्ट कर लिया अपने कंप्यूटर को अगर आपको कंप्यूटर से प्रिंट निकालना है तो सबसे पहले उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा और जो कि आपको प्रिंटर के साथ एक सीडी में मिलता है ओके अगर आपसे वो सीडी गुम हो गई है आपने बहुत पहले लिया है प्रिंटर और गुम हो गई तो इंटरनेट पर भी वो ड्राइवर मिलता है जो प्रिंटर आपने खरीदा है उसके नाम से एच सपोज आपका जो भी है लेज़र जेट प्रिंटर है तो वो आप टाइप कीजिए और वो आपको ड्राइवर गूगल पे भी मिल जाएगा वैसे मेरे पास ये ड्राइवर है और ये मेरे पास सीडी में था मैंने इसे पेन ड्राइव में कन्वर्ट करके यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में रखा है क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर में डेविड राइटर नहीं है लैपटॉप में था तो फिलहाल मैं इसे डबल क्लिक करके इंस्टॉल करूँगा यहाँ पे डबल क्लिक करके बस इंस्टॉल बटन इसमें जो ऑप्शन रहता है इंस्टॉल कीजिए तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि हाँ यहाँ पे एक्सेप्ट स्क्रीन आ रहा है नेक्स्ट कीजिए और नाउ यू कैन से कि ये ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया और यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया कॉन्ग्रोलेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है अब मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है कंप्लीटली और मुझे प्रिंट टेस्ट पेज करना है क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है मैं यहाँ से नहीं करना चाहता हूँ प्रोडक्ट भी रजिस्टर नहीं करना है मुझे रजिस्टर करना है तो वेबसाइट पे आप रजिस्टर कर सकते हैं फिनिश उसके लिए वारंटी वगैरह आपको डिस्प्ले हो जाएगी फिलहाल आप यहाँ पे चले जाइए वर्ड के अंदर वर्ड में मैंने कुछ बनाया और मैं एक प्रिंट करके दिखाता हूँ टेस्ट पेज प्रिंट कैसे हो रहा है सो so, मैंने यहां पे कंट्रोल पी बटन प्रेस किया और कंट्रोल पी के बाद यहां पे आपको प्रिंटर की लिस्ट आ जाएगी वर्ड के अंदर एक्सेल के अंदर जहां पर एचपी लेजर जेट सिलेक्टेड है, है दिखाई दे रहा है और यहां से आप इसे प्रिंट करोगे तो ये यहां से प्रिंट हो जाएगा राइट डायरेक्टली आप मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं प्रिंट करके आपको दिखाता तो हूं ये प्रिंट कैसे हो रहा है इसके बाद हम जानेंगे स्कैनर के बारे में भाई स्कैनर से इमेजे स्कैन कैसी होती है स्कैनर कैसे अटैच किया जाता है तो चलिए स्कैनर कंप्यूटर के स्कैनर के बारे में डिटेल में जानते हैं तो दोस्तों मैंने प्रिंटर के बारे में तो आपको बताया अब स्कैनर की बारी है ये बेसिकली स्कैनर प्लस प्रिंटर है ये कैनऑन का है मल्टी फंक्शनल डिवाइस इसमें स्कैनिंग होता है प्रिंट आउट होता है ये मल्टी फंक्शन है ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होता है कलर प्रिंट होता है ये एक मेरे पास और प्रिंटर है इसके बारे में आपको बताने वाला हूं बेसिकली इसमें स्कैनर का फंक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ तो ये स्कैनर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये फ्लैट बेड स्कैनर है स्कैनर के अलग अलग टाइप होते हैं ये मैंने इंट्रो में बताया था आपको एम स्कैनर सी ओ स्कैनर बार स्कैनर ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। अब इसमें मुझे कोई सर्टिफिकेट वगैरह स्कैन करना है तो ये सर्टिफिकेट है या कोई ये आपको स्कैन करना है तो ये फ्लाइट बैठे कोई नोट्स वगैरह भी आप स्कैन कर सकते हैं तो इस तरह से मैं इसे मैं रखूंगा ये प्रॉपरली ऐसा रख देना है ओके ज्यादातर इसमें ए4 साइज का स्कैन होता है ए4 लेटर साइज स्कैन होते हैं तो मैंने इसमें रख दिया ओके ये हो गया अब उसके बाद करना है मुझे इसके कनेक्शन लगाने हैं और जो कि प्रिंटर को जैसे कनेक्शन लगाए थे हमने वैसे ही लगाने हैं जैसे मैंने एचपी के लगाए थे तो वैसे यहाँ पे एक पिन लग रही है यूएसबी बी लगेगी और एक पावर पिन लगेगी जो कि यहाँ पे पावर लगाया गया तो ये दो पिन मैंने लगा दी है जैसे हमने एचपी के प्रिंटर में लगाए थे दो ही पिन यहाँ पे भी लगेगी कैन के प्रिंटर में और या ये जो कैनर का वर्जन है ई फोर वन जीरो सीरीज़ और जिस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं मल्टीफंक्शनल लेकिन जरूरी है तो ही खरीद दीजिए नहीं तो एक्स्ट्रा अलग सा स्कैनर भी आपको मिलता है एच का वो भी आप ले सकते हैं वो भी मेरे ऑफिस में मैं यूज़ करता हूँ अलग सा स्कैनर फिलहाल वो अभी यहाँ पे नहीं है मेरे पास इस ऑफिस में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैं आपको इसका ड्राइवर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड फोल्डर में इसका डाउनलोड ड्राइवर करके रखा है ऑलरेडी और मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा इसे रन करूंगा ये ड्राइवर जरूरी है अगर आप ड्राइवर इंस्टॉल करते ये देखिए स्टार्ट सेटअप बटन पे आपको क्लिक करना है ये ड्राइवर इंस्टॉल करते ही ये आप स्कैन कर पाओगे मैं आपको स्कैन करके दिखा रहा हूं प्रैक्टिकली ये स्कैन कैसे होगा मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ ये ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं मैं तो यहां पे देख सकते हैं आप फाइनली इंस्टॉलेशन कंप्लीट सक्सेसफुली एग्जिट बटन पे क्लिक करो इंस्टॉलेशन हो गया है तो आप मुझे स्कैन करना है जो मैंने सर्टिफिकेट रखा है या जो भी चीज रखी है स्कैनर के ऊपर वो मुझे स्कैन करनी है तो मैं यहाँ पे स्कैन बटन लिखूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं आई जी स्कैन यूटिलिटी आ जाती है आई जी स्कैन यूटिलिटी यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कैन E4 ई फोर वन जीरो सीरीज दिखाई दे रहा है आपका जो स्कैन ऑन स्कैनर सिलेक्टेड है वो दिख रहा है आपको फोटो स्कैन करना है डॉक्यूमेंट स्कैन करना है आपको क्या करना है मुझे ये डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है या फोटो में कन्वर्ट करना है आपके ऊपर है फिलहाल मैं इसे डॉक्यूमेंट कंसिडर कर रहा हूँ स्कैनर इज वार्मिंग अप डू नॉट ओपन डॉक्यूमेंट कवर मतलब आपने जो स्कैनर का कवर रखा है ऊपर वो ओपन नहीं करना है यहाँ पे स्कैन ऊपर देखिए प्रोसेस भी हो रहा है यहाँ पे स्कैन अंदर हो रहा है अगर आप स्कैनर के ऊपर थोड़ा सा हाथ रखेंगे तो उसकी जो मोटर है वो घूम रही है और आवाज भी आता है देखिए आवाज भी आ रहा है आपको सुनाई दे रहा होगा तो यहाँ पे आप कंटिन्यू तो स्कैनिंग अगर और भी स्कैन करें तो आप स्कैन कर सकते हैं वहां पे जो स्कैन आपने रखा है वो हटा दो दू, दू, दूसरा रखो दूसरा मतलब सर्टिफिकेट दू, दूसरा कुछ रखो और स्कैन बटन पे क्लिक करो नहीं करना है अभी और कुछ स्कैन तो एग्जिट कीजिए आपको डॉक्यूमेंट दिखाई देगा यहाँ पे देखिए इमेज पीडीएफ फॉर्मेट में आ चुका है मैं ओपन कर रहा हूं और ये स्कैन uh, हो चुका है मैंने उल्टा रखा था कोई बात नहीं यहाँ पे हम रोटेट कर सकते हैं और ये पूरा का पूरा सर्टिफिकेट एज इट इज स्कैन हो चुका है मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखाना चाहूंगा ये स्कैनर के ऊपर देखिए सेम मेरा आयोसो सर्टिफाइड हमारी जो कंपनी आयोसो सर्टिफाइड है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है राइट तो ये पूरा का पूरा स्कैन हो चुका है और स्कैन कैसे करना है मैंने बेसिकली आपको बताया अभी स्कैन कोई भी कर सकता है अब आपको आज जाएगा प्रिंटर के लिए और स्कैनर के लिए क्या करना है मैंने आपको दोनों चीजें बता दी दोस्तों अब हमने स्कैनर जान लिया अब हम मॉनिटर की कुछ सेटिंग्स के बारे में जानेंगे जो मॉनिटर के डिस्प्ले आता है उसके के लिए क्या क्या सेटिंग्स हमें करनी पड़ती है डेस्कटॉप की सेटिंग्स क्या होती है और कुछ बेसिक सेटिंग आपको पहले से पता होनी चाहिए अगर आप कंप्यूटर पहली बार यूज कर रहे हो तो चलिए डेस्कटॉप सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं तो आइए दोस्तों डेस्कटॉप की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं डेस्कटॉप के ऊपर इन्हें आइकॉन्स कहा जाता है याद रखिए इन्हें आइकॉन्स कहा जाता है पीछे बैकग्राउंड में वॉल पेपर जो दिख रहा है ना ये वाल पेपर होता है और बेसिकली नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा आपको मैं फोकस करके भी दिखा देता हूँ चाहिए तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा टास्क बार है याद रखिए टास्क बार है लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन मिल रहा है राइट साइड में आपको यहाँ पे टाइमिंग वगैरह मिलता है टास्क बार पे और आपने कुछ प्रोग्राम सेट किए रहेंगे टास्क बार के ऊपर या रिसे

ये फाइल से ये इमेज दिखाई दे रही है ये इमेज फाइल है तो आपको ये डब्ल्यू दिखाई दे रहा है वर्ड फाइल है और कुछ आइकॉन ऐसे दिख रहे हैं जिसमें एरो है तो ये प्रोग्राम स्टार्ट करने के शॉर्टकट है जैसे टीम व्ययर है व्हाट्सअप स्टार्ट करने का शॉर्टकट है यहाँ पे डेस्कटॉप व्हाट्सअप मैंने इंस्टॉल किया है या फिर आपको यहाँ पे क्रोम दिख रहा है तो क्रोम के यहाँ पे भी एरो दिखाई दे रहा है आपको तो ये जो एरो दिखाई दे रहे हैं ना ये एरो वाले प्रोग्राम्स होते हैं प्रोग्राम के शॉर्टकट है बेसिकली यहां से आपने डिलीट किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये प्रोग्राम इंस्टॉल अंदर रहता है इंस्टॉल और अन में कंट्रोल पैनल के सेटिंग में आपको बताने वाला हूं तो ये इंस्टॉल है, तो तो है येलो वाले, सारे सारे ये वाले ये रहना चाहिए जिसके अंदर और भी फाइल्स करके फोल्डर इसे ओपन करता हूं यहाँ पे कुछ और फाइल आपको दिखाई दे रही है जैसे आपको अलग अलग फोल्डर दिखाई दे रहे हैं हर एक के अंदर मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे फाइल रखी है मैं मेरा एक्चुअल काम करने वाला ही जो कंप्यूटर उसको दिखा रहा हूं आपको राइट तो आपको ये पता चला कि फोल्डर कौन से फाइल्स कौन से और प्रोग्राम की शॉर्टकट कौन कौन से है अगर मैं कोई फोल्डर में फाइल रखना चाहता हूँ यहाँ पे चार पांच फाइल है सपोज ये तीन फाइल है ये तीनों फाइल मैंने ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट की देखिए इसको सेलेक्ट करने का दो तरीका एक आप यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग कीजिए माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करना है आपको इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग करना है और आप राइट right क्लिक करके इसके ऊपर कॉपी या कट कर सकते हैं देखिए कट करेंगे तो यहाँ से ये कट हो जाएगा कॉपी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा कॉपी मतलब डुप्लीकेट होना कंट्रोल सी भी आप प्रेस कर सकते हैं इसके लिए मैंने कॉपी किया और मैं इंप्लॉय फोल्डर में रखना चाहता हूँ इन तीनों फाइल को तो मैं इंप्लाय फोल्डर भी लेता हूँ राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे मैं इसे और पेस्ट करूंगा देखिए इंप्लॉय फोल्डर में यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पर मैंने राइट right क्लिक किया और पेस्ट कर रहा करो राइट क्लिक माउस का राइट right बटन प्रेस करना याद रखिए राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक ये माउस के इंट्रोडक्शन में देखा है हमने राइट पेस्ट तो यहाँ पे देखिए हो चुका है ये पेस्ट ये तीनों भी फाइल यहाँ पे आ चुकी है और ये असेंडिंग ऑर्डर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऊपर नीचे आ गई है तो ये तीनों फाइल यहाँ पे पेस्ट हो गई यहां पे भी है क्योंकि मैंने इसे कॉपी पेस्ट किया है याद रखिए कॉपी पेस्ट दूसरा रहता है कट पेस्ट अगर मैं ये फाइल यहाँ से शॉर्टकट फाइल है ये राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे मैं इसे कट कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ से इसे कट करता हूँ राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो वहां से ये मूव हो जाएगी आप इसे ऐसा उठा के भी रख सकते हैं ये देखिए उठा के भी आपने रखा तो भी चलेगा तो फाइल फोल्डर्स कैसे इस्तेमाल करने आपको डेफिनेटली समझा होगा मूव कैसे करना है अगर नया फोल्डर बनाना है तो राइट क्लिक कीजिए न्यू में जाइए और फोल्डर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको राइट क्लिक न्यू और फोल्डर नया फोल्डर आप डेस्कटॉप पे बना सकते हैं खुद के नाम का जैसे मुझे मेरे नाम का बनाना है तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ लेकिन मेरे नाम का और फोल्डर नहीं रहना चाहिए नहीं तो वो नहीं बनेगा राइट याद रखिए एक ही फोल्डर बनेगा एक नाम का एक घर में दो नाम के बच्चे तो मतलब सेम नाम के बच्चे तो नहीं होते दो अलग अलग नाम के बच्चे रहेंगे राइट वैसे ही कुछ ये है तो यहाँ पे आपको सतीश नाम का फोल्डर दिखाई दे रहा है इसको ओपन कीजिए इसमें कुछ भी नहीं है अगर इसमें फाइल रखनी है वो कैसे रखनी है आपको मूव करनी है तो इन तीनों को सिलेक्ट करो ड्रैग एंड ड्रॉप करो कॉपी करनी है तो कम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो तो यहाँ से फाइल चली गई लेकिन ये इसके अंदर है राइट क्लिक करके इन फाइल का व्यू भी आप बदल सकते हैं कि आप इन्हें कैसा रखना चाहते हैं लार्ज आइकॉन तो आपको इमेज दिखाई देगी व्यू में जाकर एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन बड़ी दिखाई देगी राइट क्लिक करना है व्यू में जाना है लार्ज आइकॉन मीडियम आइकॉन यहाँ पे उसका व्यू सेट रहता है ये बेसिक जानकारी सबको पता होनी चाहिए स्टार्टिंग में इसीलिए मैं पूरा बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप इंट्रो में पहले सीख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए शॉर्ट कैसे करना है आपको डेट वाइज शॉट करना है नेम वाइज जनरली शॉट है ए बी सी वाइज आएंगे डेट वाइज करना है तो डेट मॉडिफाई वाइज शॉर्ट हो जाएंगे पहला जो बनाया है बाद में जो बनाया है उसके वाइज वहाँ पर शॉर्ट हो जाएंगे वो आपको मिल जाता है यहाँ पर तो आपको बेसिकली राइट क्लिक करके फोल्डर कैसे बनाना है राइट क्लिक करके आप आपको कॉपी पेश कैसे करना है वो सभी चीज़ें समझ में आई होगी मूव कैसे करना है वो भी पता चला होगा यहाँ पे आप राइट क्लिक करके कोई नया फाइल भी स्टार्ट कर सकते हैं जैसे आप वर्ड का या एक्सेल का फाइल बनाना चाहते हो तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखाई दे रहा है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप क्लिक करके इन्हें ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इस फाइल का नाम रखा आई फाइल कुछ भी आपको नाम देना है और एंटर कीजिए यहाँ पर एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से आप एक्सेल वर्ड भी स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे राइट ये तरीका याद रखिए ये मैंने बेसिकली आपको बताया अब मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप में यह सारी चीज़ें बताई अगर आपको डेस्कटॉप पर कुछ और सेटिंग करनी जैसे राइट क्लिक में जाइए तो डिस्प्ले सेटिंग चेंज करनी तो यहाँ पर आप कर सकते हैं राइट right क्लिक में डिस्प्ले सेटिंग्स भी ऑप्शन अवेलेबल है डिस्प्ले सेटिंग्स में क्या होता है कि आप इसका जूमिंग कितना रखना चाहते हैं जैसे मैंने वन ट्वेंटी फाइव रखा अगर मैं इसका हंड्रेड करूँ या वन फिफ्टी करूँ तो ये चेंज हो जाएगा तो जोरा सा जूमिंग कम आएगा ज़्यादातर रिजोल्यूशन में यही सेट करता हूँ वन ये रिकॉर्डिंग के लिए प्रॉपर होता है मेरे लिए तो मैं यही रखता हूँ और लैंडस्केप पेज रखा अगर मैं इसको पोर्ट्रेट कर देता हूँ तो ये किस किस तरह से दिखाई दे रहा है आपको दिखाई दे रहा है तो ये प्रॉपर देखने में प्रॉब्लम हो जाएगा ओके okay, पोर्ट्रेट करने की जरूरत नहीं मैं रिवर्ट कर देता हूँ ओके पोर्ट्रेट कर सकते हैं आप पोर्ट्रेट फ्लिप कर सकते हैं लैंडस्केप फ्लिप कर सकते हैं लैंडस्केप लेंक किया तो पूरा उल्टा दिखाई देगा और माउस भी उल्टा चलाना पड़ेगा राइट तो मैं रिवर्ट कर देता हूं फिलहाल इसे नहीं करना है मुझे तो आप यह कर सकते हैं यहां पे सेटिंग्स दी गई है डिस्प्ले डिस्प्ले सेटिंग्स में में जाकर आप आप कर कर सकते सकते हैं हैं दिए और बहुत, बहुत सारी सेटिंग है ये क्लिक करके करके एक एक कर चेक कर सकते। इसमें क्या क्या सेटिंग्स दी है आप यह सीख सकते हैं बेसिकली यह क्लिक एंड ओके है इतना ज्यादा इतना डिटेल मतलब कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं उसमें कुछ और उसके साथ साथ राइट क्लिक करके पर्सनलाइज सेटिंग भी पे दी जाती है जो भी आपको चेक करनी चाहिए कि भाई आपका अप का वॉलपेपर जो है मुझे ये रखना है तो मैं इसे रख रहा हूं तो अगर आप यहाँ पे देखिए सपोज मैं इस पर क्लिक कर रहा करो ये पहले पोजीशन पे आ जाएगा ऊपर देखिए और पीछे भी देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है राइट क्लिक कीजिए पर्सनलाइज में जाइए डेस्कटॉप का आइकॉन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे कलर लॉक स्क्रीन और बहुत सारी और भी चीज़ें होती है जो यहाँ से आप कर सकते हैं आराम से आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हैं बेसिकली डेस्टॉप वॉलपेपर वगैरह बदलना सारी चीज़ें यहाँ पर दी रहती है आपको ये डेस्कटॉप की सेटिंग्स बेसिकली पता होनी चाहिए इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ अच्छा टास्क बार के बारे में टास्क बार पर राइट क्लिक कीजिए और लॉक द टास्क बार ये हमेशा शेक रहता है देखिए मैं इसे अगर अनलॉक कर देता हूं तो मैं टास्बार को उठा के यहाँ पे रख सकता हूं टास्बार को उठा के मैं यहां पे रख सकता हूं कस्टमाइज कर सकते हैं राइट ये सारी चीजें कस्टमाइजेबल है आपको पता होनी चाहिए पे क्लिक करो माउस का ले बटन दबा के रखो और खींचो 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 और रखो खींचो और रखो राइट राइट क्लिक करके लॉक कर lock दो टास्क बार को या फिर टास्क बार से रिलेटेड और भी सेटिंग जैसे ये taskbar setting में जाओ थोड़ी बहुत सेटिंग और भी बता देता हूं यहां पे आपको ऑटो हाइड ऑप्शन भी मिल जाता है ये लॉक द टास्क बार भी मिल रहा है ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार ऑन डेस्कटॉप मोड तो यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ पे जैसे ऑन करूंगा बार गायब अब टास्क बार है क्या है अभी लेकिन डेस्कटॉप मोड में जैसे मतलब माउस में मैं अभी देखिए नीचे आऊँगा माउस लेके तो वो टास्क बार दिखाई देगा ऊपर रहेगा माउस तो नहीं दिखाई दे रहा है तो टास्क बार हाइड करना है टेम्पररी तो आप हाइड कर सकते हैं आपको दोबारा रखना है तो मतलब दोबारा उसे प्रॉपरली रखना है तो माउस लेके आ जाओ दिखाई देगा राइट क्लिक करो टास्क बार सेटिंग में जाओ और इसमें जाकर इसे ये वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ना ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार फ्रॉम डेस्कटॉप मोड और बाकी सारी चीज़ें एक एक करके चेक कर सकते हैं आप चेक करने में क्या जाता है आर एन डी कर लो यार पहली बार चीजें सीख रहे हो तो लॉक द टास्क बार ऑन ही रखो टास्क बार लॉक करना है तो टास्क बार के साथ जो चीजें की वैसे आइकॉन के साथ भी कर सकते हैं तो डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन के साथ क्या कर सकते हैं इसका तो देखने के लिए मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ व्यू में जा रहा हूँ और व्यू में जाकर यहाँ पे देखिए ऑटो अरेंज आइकॉन्स अलाइंस आइकॉन्स टू ग्रीड शो डेस्कटॉप आइकॉन्स शो डेस्कटॉप आइकॉन अगर मैं क्लिक करता हूँ तो पूरे आइकॉन्स गायब क्या बात है आपको डेस्कटॉप क्लीन मिल रहा है राइट क्लिक कीजिए और फिर से आप व्यू में जाइए और शो डेस्कटॉप आइकॉन आप रखना चाहते नहीं रखना चाहते आपके ऊपर है पूरा डेस्कटॉप क्लीन रखना चाहते हैं ऑटो अरेंज एंड अलाइन ये दोनों को चेक रखा गया है मैं इन दोनों को हटा देता हूँ चेक दोनों को चेक हटा देता हूँ इससे क्या होगा देखिए दोनों का चेक अगर मैं हटा देता हूँ ये देखिए मैं दोनों पे क्लिक कर रहा हूँ दोबारा चेक गए अभी अब देखेंगे दोनों पे भी क्लिक नहीं है चेक नहीं है राइट टिक नहीं है वो तो आप इन आइकॉन को कहीं पे भी रख सकते हैं कहीं पे भी रैंडमली रख सकते हैं इन आइकॉन्स को आप ड्रैग करके अब देखिए कहीं पर भी रख सकते हैं राइट right? यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँगा व्यू में जाऊँगा और मैं इसे अलाइन टू ग्रिड करूंगा तो ये ग्रिड में होंगे मतलब अभी क्या होगा अलाइन टू ग्रिड मतलब ये कहीं पर भी रख रहे थे अभी एक तो ऊपर लाइन में आएंगे नहीं तो नीचे लाइन में आएंगे देखिए ऊपर आएगा ऊपर आएगा एक लाइन में आएंगे एक लाइन में आएंगे पूरे के पूरे मतलब ये कहीं पे भी नहीं आएगा जैसे पहले आ रहा था अलाइन टू ग्रिड हो जाएगा ग्रिड में आएंगे एक लाइन में सब रहेंगे अगर मैं इसे ऊपर लूँगा तो इसी के लाइन में ये आ जाएगा ऊपर नीचे नहीं रहेगा और ऑटो अरेंज अगर मैं करता हूँ तो ये सारे अरेंज हो जाएंगे एक लाइन में यहाँ पर इधर उधर नहीं फैलेंगे राइट तो ये आपके ऊपर है ये सारी सेटिंग्स आपको करनी है नहीं करनी है मैंने आपको बता दिया अच्छा एक फाइल है ये आपने डिलीट कर दी की से आई फाइल डिलीट कर दी यहाँ से गए गायब होगी लेकिन वो फाइल आपको रिसाइकल बिन में मिलेगी रिसाइकल बिन में यहाँ पे बहुत सारी फाइल आपको रहती है जो डिलीट के फाइल्स यहाँ पे आपको दिखाई देती है तो मैंने जो आई फाइल डिलीट की है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी ये रहा राइट डिलीटेड फाइल आप रिस्टोर भी कर सकते हैं राइट क्लिक करो

यस yes, मुझे ये फाइल की जरूरत नहीं परमानेंट डिलीट कर दो ये स्पेस ले रहा है मेरे कंप्यूटर में तो इतनी सारी चीजें डेस्कटॉप सेटिंग्स से रिलेटेड मैंने बताई जो कि आप कंप्यूटर में बिगिनर्स हो तो आपके लिए बहुत यूजफुल है सारी सेटिंग्स राइट right? और लास्ट सेटिंग मैं बताना चाहूंगा कोई भी प्रोग्राम अगर आपको स्टार्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करो उस प्रोग्राम का नाम लिखो वर्ड स्टार्ट करना है वर्ड एक्सेल स्टार्ट करना है एक्सेल पावर पॉइंट स्टार्ट करना है पावर पॉइंट यहाँ से आप टाइप करके सिंपली उसे स्टार्ट कर सकते हैं दैट्स इट का डेस्कटॉप सेटिंग में इतना ही अब पेनड्राइव कैसे इस्तेमाल करना है अपने कंप्यूटर में पेनड्राइव अगर आपके पास या कोई भी स्टोरेज ड्राइव है जैसे हार्ड डिस्क वगैरह यूएस स्टोरेज ड्राइ तो उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकली अटैच करके मैं दिखाता हूँ तो आइए दोस्तों अभी पेन ड्राइव को कैसे इस्तेमाल करना है बहुत बेसिक चीज़ है ड्राइव इस्तेमाल करना कोई भी जानता है लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको पेन ड्राइव दिखाई दे रहा है मैं यहाँ पे यू सी पी को कनेक्ट कर रहा हूँ बेसिकली ये मेरा एक्सटेंशन है यू एस एक्सटेंशन और ये ऑलरेडी सी को कनेक्टेड है यहाँ पे आप देखेंगे ये डायरेक्टली सी को कनेक्टेड जा रहा है तो मैं इसको कैसे कनेक्ट करूँगा मैं आपको मेरी स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा ये कैसे आ रहा है मैं इसको इस तरह से लगाऊंगा ओके ओके okay, अभी जैसे मैं इसे लगाया तो आपको दिखाई दे रहा है यूएसबी दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे यूएसबी कनेक्टेड है मैं इसके ऊपर क्लिक कर सकता हूं यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं ऑटो प्ले पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो पेन ड्राइव ओपन हो जाएगा यहाँ पे देखिए कंटिन्यू विदाउट स्कैनिंग एक बटन आ रहा है इस पर मैं क्लिक करूंगा यहाँ से यह डायरेक्ट पेन ड्राइव ओपन अप कर सकते हैं इस तरह से आपको पेन ड्राइव यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेन ड्राइव के अंदर कुछ फाइल्स है मेरे पास बूटेलब फाइल एंड ऑल आपको दिखाई दे रहे हैं तो कुछ फोल्डर्स यहाँ पे बने हुए ये पेन ड्राइव मेरा ओपन हो गया अगर आप ऐसा पेन ड्राइव नहीं ओपन करना चाहते यहाँ पे नहीं ओपन हो रहा है आपका ऑटो प्ले करके तो आप विंडोज ई बटन की बोर्ड प्रेस कीजिए देखिए विंडोज ई e अगर आप करते हैं विंडोज ई e में प्रेस करो विंडोज ई e यानी क्या आता है यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर तो फाइल एक्सप्लोर आ रहा है और फाइल एक्सप्लोर जैसे मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस पीसी में आपको क्लिक करें दिस पीसी के अंदर यहाँ पे आपको ये यूज ड्राइव दिखाई दे रहा है ये यूज ड्राइव जो दिखाई दे रहा है ये रहा मेरा पेन ड्राइव लगभग 32 टू का ये पेन ड्राइव है मैं इसे ओपन करता हूँ और इसके अंदर वही फाइल है दिखाई दे रहा है अब मैं इसमें फाइल रखना चाहता हूं तो सिंपल है बहुत पेन ड्राइव तो ओपन हो गया अब इसमें कोई फाइल मुझे रखनी है डेस्कटॉप की या कहीं पे भी तो इस फाइल को यहाँ से मैं डायरेक्टली मूव कर सकता हूँ या फिर राइट right क्लिक करके इस पे कॉपी कीजिए कंट्रोल सी बटन भी प्रेस कर सकते हैं आप और राइट right क्लिक करके यहाँ पे आप इसे पेस्ट कीजिए देखिए या पे जो ई फाइल थी वो यहाँ पे आ गई यहाँ की फाइल पेन ड्राइव की फाइल आपको रखनी है कोई भी बूट फाइल या फिर ये अनु नाम की फाइल है तो मैं इसे कॉपी करूंगा और राइट क्लिक करके डेस्कटॉप पे जाकर या फिर कहीं पे भी जाकर पेस्ट करूंगा तो पेन ड्राइव से आप एक जगह से दूसरी जगह पे फाइल ऐसे रख सकते हैं सिंपल है बहुत पेन ड्राइव कैसे यूज करना बहुत बेसिक चीज है लेकिन फिर भी मैंने जानकारी देना चाहा क्योंकि ये कंप्यूटर फंडामेंटल है तो भाई फंडामेंटल सारा पता होना चाहिए आपको दैट्स इट सो दोस्तों कैसे लगा ये कंप्यूटर फंडामेंटल का वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर कीजिएगा ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हो तो और साथ ही में, में मेरा लर्न मो प्रो कॉम और लर्न मोर ऐप है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए जहाँ पे ढेर सारे कंप्यूटर के को कोर्सेस चल रहे हैं अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं मेरी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है तो ज़रूर एक बार मेरी वेबसाइट को चेक कीजिए साथ ही में मेरी एक और वेबसाइट है जिसका नाम .in है लर्न मोर इंडिया डॉट इन जहाँ पर फ्री में ब्लॉग मिलते हैं फ्री में नोट्स मिलते हैं फ्री में टेस्ट मिलते हैं ऑनलाइन तो आप ज़रूर इसको भी चेक कीजिएगा मेरे जितने भी चैनल है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है इनको भी ज़रूर चेक कीजिएगा सीखते रहिए सिखाते रहिए यही रहेगा हमेशा हमारा स्लोगन Take care, bye bye.